Now what is, today also they don't want anyone to touch my feet. I hope today you will obey without any exception. Yesterday we tried, but there were exceptions. So today there should be no apavada. Let us see. One day we should not touch mother's feet, doesn't matter. You all can touch from there. And there is a way of collectively touching mother's feet, is the way we do always, you can all do it just now. But you need not actually touch, but you are actually touching. Even touching the Mother Earth, you are touching. Just touch the Mother Earth and you are there. Just touch the Mother Earth. You will find the Kundalini rising. You haven't given me any questions whatsoever, and those who have questions should write questions and give it to me, because once I'll go away, then you will say Mother never allowed us to ask any questions. I did say there are, yeah. What is it? क्या माता जी, क्या पितरों को श्राद्ध करने चाहिए? पितरों के श्राद्ध करने चाहिए, उनके चित्र रखने चाहिए? समथिंग आई आस्क्ड यू अर्लियर. क्या एक और है मां, क्या आज की बात? इन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या पितरों के श्राद्ध करने चाहिए और पितरों के फोटोग्राफ रखने चाहिए. जब उनकी तेरह ही होती तब तो करने ही चाहिए श्राद्ध. और श्राद्ध भी डिस्क्रिशन की बात आ गई फिर से. कह घर समझ लीजिए, आपके सहयोग में आपने देखा कि आपका राइट हार्ट पकड़ रहा है, यानी आपके पिता जो है जो मर गए हैं वो अभी भी संतुष्ट नहीं, तो श्राद्ध करना चाहिए. इसमें कोई नहीं, पर सहयोग स्टाइल से श्राद्ध करना चाहिए, न कि एक ब्राह्मण को बुलाओ और उसको खाने को दो. एक बार लखनऊ में हमें पता हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे उनका श्राद्ध नहीं हो पाया, तो हमने कहा श्राद्ध करेंगे. तो हमने, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा श्राद्ध का क्या विधि? हमने कहा हमारा तो ये कि हम खाना बना के और सबको खिलाएंगे खाना, बस ये हमारा श्राद्ध है. तो हमारी सिस्टर इन लॉ बिचारी ट्रेडिशनल थी, उन्होंने कहा नहीं यहाँ तो श्राद्ध ऐसा था कि पांच ब्राह्मण बुलाओ. मैंने कहा पांच क्या, यहाँ तो एक भी ब्राह्मण दिखाई नहीं दे रहा. नहीं, उन्होंने कहा है अपने पांच ब्राह्मण, वो आएंगे और उनका श्राद्ध करेंगे. उन्होंने कहा बुलाइए. तो पांच आदमी आए, वो उनका वो तो बिल्कुल पार नहीं थे ना, ब्राह्मण थे. पांच आदमी आके बैठे, मैंने भाई कहा तुम्हारा, मैंने कहा देखे तो सही क्या होता है और कैसे श्राद्ध करें. कुछ नहीं, कहले पांच पांच किलो आप कलाकंद मंगा लीजिए. मैंने कहा अच्छा भाई, ये तो बहुत आसान है. तो उस जमाने में कलाकंद आता था कोई दस रुपए किलो या पांच रुपए किलो ऐसा, तो पच्चीस पच्चीस रुपया काफी होता था. मेरे हस्बैंड तो सरकारी नौकर थे, उनको भाई चलो श्राद्ध एक बार करना, हमारी नंद रानी है उनको भी खुश करना. हमने कहा चलो भाई ले आओ. तो हम सबके लिए ले आए 25 किलो और पांच पांच किलो एक एक ब्राह्मण पांच ब्राह्मणों को दिया जब वो आए थे. मैंने सोचा ये घर बांध के ले जाएंगे. उन्होंने वही दोने खोले, ना अपने बच्चों का सोचा किसका, सब खाना शुरू कर और सब खा गए पांच पांच किलो. मैं तो देखती रह गई. मैंने कहा भाई वाह, जो हमारी नंदरानी बड़ी खुश हुई, हमारे पितर जो है वो खुश हो जाएंगे, ब्राह्मणों को कलाकंद खिला दिया. मैंने हाँ जी जी, क्या वो कलाकंद खाते भी थे और वो क्या पांच किलो इनमें से कोई खाने वाला नहीं होगा जो ये लोग खाते हैं? तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं, हम तो आज यहाँ पांच किलो खाए, कल जाके और जगह खाएंगे. पांच किलो हमारे लिए, पांच किलो क्या चीज होती है जी? उनका मान गया आपको, आप असली ब्राह्मण है. अच्छा मुझे माफ करिए, हो गया आपका हिसाब किताब? कहीं हाँ ठीक हो गया, हम तो पांच किलो से कभी कम खाते ही नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा सॉरी, आप जाइए. इस तरह के श्राद्ध नहीं कर देते, श्राद्ध का भी एक तरीका होता है. दूसरा एक और किस्सा है, सहयोगी एक थे वो ब्राह्मण है, तो सहयोग में आकर के असली ब्राह्मण हो गए महाराष्ट्र में. तो उनके जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण है वो जब हो जाते हैं पार, तो वो कहते हैं अच्छा ये ब्राह्मणों को अब ठीक करना है. जैसे अगर कोई हमारे पास ईसाई आता है तो वो जब देखता है कि सहयोगी है तो सब ईसाइयों पीछे लग जाता है कि तुमको ठीक करना है. कोई अगर सरदार जी आता है
तो वो कहता है कि माता जी, हर समय उसको लगता है कि सरदार जी को ठीक करो, मैं सरदार जी ठीक हो गया, बाकी के और सही बात, अगर आपको वाकई उनके लिए फीलिंग है तो आप चाहेंगे कि सब सरदार जी ठीक हो जाए। तो इसी प्रकार होता है। सो एक ब्राह्मण हमारे यहाँ से, वो ब्राह्मण हो गए, तो अब वो ब्राह्मणों के पीछे पड़ गए, तो उनकी माँ ने कहा कि ये तुम्हारे बाप का श्राद्ध है तो तुम जाके एक ब्राह्मण को बुला लाओ। वो कहा मैं नहीं जाता किसी को बुलाने, ये कोई ब्राह्मण है, उनका भाई अपने खानदानी ब्राह्मण या खानदानी होते हैं, जैसे नाई होते हैं खानदानी, चूड़ीहार में होते हैं, ब्राह्मण भी खानदानी, तो वो खानदानी है उसको बुला के ये गए उसके पास। उसे कहा भाई देखो, हमको तो श्राद्ध कराने को माने कहा, हम तो विश्वास नहीं करते, पर हम माने कहा तो हम करा देते हैं तुम्हारा, तुम आओ श्राद्ध। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो कि गुरुवार को रखो तुम श्राद्ध करें। उसने कहा कि मंगलवार को नहीं ठीक है। कहले नहीं, मंगलवार को ठीक नहीं है और गुरुवार को बड़ा अच्छा दिन है और पंचांग के अनुसार मैं तुमको बता रहा हूँ गुरुवार को ठीक। ये घर आए, इन्होंने पंचांग देखा, क्योंकि महाराष्ट्र से जानते हैं संस्कृत और लोगों जैसे नहीं है, संस्कृत खूब जानते, पढ़ा उन्होंने, पंचांग में लिखा था कि निषिद्ध है गुरुवार के दिन होना ही नहीं चाहिए श्राद्ध। तब इन्होंने मंगलवार को अपना सहयोग से श्राद्ध करा दिया। वो जनाब अपना, उनका कहीं और अपॉइंटमेंट रहा होगा, तो उन्होंने सोचा कि अपॉइंटमेंट के अनुसार चलना चाहिए। तो वो जब गुरुवार को आए तो इन्होंने कहा कि आइए। उनका क्या आप बचाओ श्राद्ध का खाना वाना का? खाना वाना कुछ नहीं, आपको एक कप चाय भी नहीं मिलेगी। उनका क्यों? कल आज श्राद्ध निषिद्ध है, आप देखिए पंचांग में लिखा आज नहीं कर सकते श्राद्ध, और मैंने तो मंगलवार को करी लिया और आप जाइए। उनकी माँ कह लगी कि एक कप दूध तो दे दो बेटा, घर में इनको तो कुछ नहीं दूंगा मैं, और कभी अपने यहाँ श्राद्ध करने नहीं आई, उनको निकलवा दें। तो इस तरह के श्राद्ध नहीं करिए, इसलिए ऐसे श्राद्ध करने में कोई अर्थ नहीं। दूसरी बात है, कुछ पितरों के फोटो रखने चाहिए कि नहीं? फोटो रखने में कोई बात नहीं है, हर्ष नहीं है, पर अगर आप उनके फोटो के प्रति इन्वॉल्व नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि अब वो मर गए हैं, उनको फिर से जन्म लेना है, उनको विकार में आप अपने अब बहुतों का कि उनके फोटो क्या रख दिए, उनकी आरती होगी, पूजा होगी, उनके सामने रोएंगे धोएंगे हर समय, तो ऐसा अगर हो रहा है तो उसको अंदर रख, अगर उसके प्रति ये भावना हो कि अब ये मर गए, ये हमारे पिता थे, ठीक है बस, तो फिर कोई ऐसा नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन अधिकतर लोगों का तो मैंने देखा यही होता कि जब भी देखा फोटो किसी का तो लग गए उसी बात करना। अगर इस तरह की बात हो रही है तो फोटो मत रखिए, क्योंकि फोटो से नुकसान होता है। अगर नुकसान नहीं होता है तो फोटो रखना चाहिए, फिर डिस्क्रिप्शन की बात आ गई। क्या औरतों को करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए? कोई सा भी व्रत मत करिए, करवा चौथ का व्रत करना चाहिए औरतों को कि नहीं? ऐसा व्रत मैंने देखा औरतों को करते हो, बहुत परेशान हो जाती है बेचारी, बिल्कुल मत करिए। अगर बगैर परेशानी के कर सके, पर कोई करवा चौथ करना है और ऐसे भगवान पे कोई भी संकट डालने की जरूरत नहीं, सहयोगियों को पार होने के बाद कोई जरूरत नहीं, उनके पति सब स्वस्थ रहते हैं, सब ठीक रहता है, अगर पति सहयोगी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, करवा चौथ क्या करने की जरूरत है। सब कहते हैं कि पार्वती जी ने करवा चौथ किया था, लेकिन उन्होंने शादी से पहले किया था, शादी के बाद नहीं, शादी के बाद करने क्या जरूरत है? करवा चौथ का सबसे बड़ा तरीका यह है कि अपनी पति को पति समझ के रहिए, उनकी सेवा करिए, उनको समझिए वो क्या चीज है, वो बच्चों जैसे होते हैं, बहुत बार उनका बिहेवियर एकदम बच्चों जैसा होता है, किसी बात पे टूट जाएंगे, किसी बात में बिगड़ जाएंगे, उनका अहंकार बड़े जल्दी डूब जाता है, ये सब देखना चाहिए। तब उनसे प्यार से रहें, उनसे उनके साथ मीठी बातें करें, उनको सुख दें, ये करवा चौथ है। ये नहीं कि करवा चौथ के दिन भी आदमी को हजार गालियां निकाल रहे, तो सब फिर वही बात आ गई ना डिस्कशन की। हालांकि करवा चौथ करने वाली औरतें मैंने देखा नहीं कि कभी भी ठीक से करवा चौथ करते, अगर करवा चौथ करें तो ये कब चंद्रमा निकलता है, कब चंद्रमा निकलता है, सबकी खोपड़ी चाट जाएंगी, उनको इतनी भूख लगी रहती है, ऐसे लोगों को क्या करवा चौथ करने की जरूरत है। और ये अनमैरिड लड़कियों को करना चाहिए कि हमें पति शिव जी जैसा मिले, पर आप पार्वती जी है क्या? पहले अपने को पहले पार्वती जी बनाइए, फिर शिव जी की इच्छा करें। शिव जी जैसे बैल पे बैठने वाले पति को संभालना कोई आसान नहीं है, शिवजी किसी का पति हो नहीं सकता सिवाय पार्वती का, वही संभाल सकती हूँ और कोई नहीं। सब बिहड़ जीव है, ऐसे बिहड़ जीव की इच्छा भी करना मुझे लगता है गड़बड़ है, तुम लोग के बस का ही नहीं, तो कैसे बिहड़ जीव की तुम लोग करते हो।
लास्ट क्वेश्चन है, क्या मासिक धर्म के दौरान पूजा, क्या मासिक धर्म के दौरान पूजा लेनी चाहिए वाइब्रेशन से? जब औरतों के लिए मासिक धर्म वगैरह होता है, सहयोग में कोई भी निषिद्ध बात, कोई भी चीज को निषिद्ध नहीं माना जाता, विशुद्धि की कोलार। सिर्फ उस वक्त में औरत को आराम करना चाहिए। और पूजा भी चीज में आप जानते हैं हमारा क्या विचार, पूजा भी किसकी करते हैं आप, पहले ये देखना चाहिए। हाँ, वो भी काफी तमाशे, इसमें बड़ा गहरा जाना पड़ेगा। मेरे विचार से पहले थोड़ी पूजा वूजा बंद करके अभी तक ध्यान ही करें। इसलिए पूजा करते थे वो हो गया, अपार हो गए, अब इसके बाद काहे की पूजा करने की? मैंने आपको विश्वास ही नहीं होता कि आप पार हो गए, आप पूजा की जरूरत है, अब ध्यान करने की जरूरत है। ये तो ऐसा ही हुआ कि मैं आ गई मोटर में यहाँ, और मोटर में बैठी रह गई, और मोटर वाले को भी चलते चलो हमको तो जाना है प्रोग्राम में। अरे भाई अब आ गए, अब उतरो और भाषण दो, अभी वहां अभी भी तुम कहां चल रहे हो? तो पूजा की तो जरूरत तब तक होती है जब तक वहां पहुंचे नहीं। पहुंचने के बाद समझ लेना चाहिए कि कैसे पहुंचे, क्या करना चाहिए, सारा रवैया बदल जाता है। अब मोटर से उतर के पैदल चल के यहां पर आए ना, सारा रवैया बदल गया। मोटर में तो पैदल नहीं चल रहे थे, मोटर चल रही थी। जब यहां आने का था तो मोटर रोक के अंदर आ गए, रवैया बदल गया ना हमारा। ऐसी सहयोग में अपना रवैया बदलना पड़ता है। इसमें गर्ल इज रिस्पेक्टिंग माता जी फ्रस्ट्रेशन, ए फ्यू पैचेस ऑफ ल्यूकोडर्मा ऑन माय बॉडी, नो क्योर हैज एनी इफेक्ट, आई प्रे फॉर योर ग्रेस। ल्यूकोडर्मा की बीमारी जो है लिवर के खराबी से होती है। लिवर में अगर ट्रिगरिंग हो जाए किसी भूत बाधा से तो बहुत ज्यादा से फैलती है। इसलिए ऐसे इंसान को पहले भूत बाधा का इलाज करना चाहिए जिसको ल्यूकोडर्मा की बीमारी। और मूंगफली का तेल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये जो पोस्टमैन का मूंगफली का तेल आता है ये तो बहुत ही खराब है, अभी पोस्टमैन वाले मेरी जान को न लग जाए। लेकिन कोई सा भी मूंगफली का तेल ठीक नहीं, डालडा आदि पर सबसे खराब पोस्टमैन होता है, और जो लोग मूंगफली ज्यादा खाते हैं उनको बीमारी हो जाती है। इसलिए मूंगफली तो एकदम छोड़ देना चाहिए। मैंने जीवन में गिन के दो चार मूंगफलियां खाई होंगी, मूंगफली नहीं खाना चाहिए ज्यादा। और जिसको ल्यूकोडर्मा की बीमारी हो गई है वो अगर तेल ले आए तो तेल को अगर वाइब्रेट कर ले, अगर आप कर पार हो गए तो उसी तेल से वहां मालिश करें, गोल गोल घुमाएं तो ठीक हो जाएगा। अपना लिवर पहले ठीक करें तो बढ़ेगा नहीं, कम से कम घट भी जाएगा।